नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने राष्ट्र संघ जो सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो चैप्टर है, जो मेरे कई सारे दोस्तों ने बोला है कि राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण प्रश्न लाओ, तो सेकंड ग्रेड की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये राष्ट्र संघ जो चैप्टर है फर्स्ट पेपर में। तो आपको बहुत सहायता मिलेगी इन क्वेश्चनों, क्योंकि हट के क्वेश्चन है ये और वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से देखें, पूरी वीडियो अच्छे से एक बार देख लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों। तो चलते हैं, तो दोस्तों पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ध्यान रखना कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को, ठीक है? तो 10 जनवरी 1920 ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रथम विश्व युद्ध का बालक किसे कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था वो आपको मालूम है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध का कहने वाले ने क्या कहा कि राष्ट्र संघ को प्रथम विश्व युद्ध का बालक कहते हैं दोस्तों, ठीक है? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने कितने सूत्री प्रोग्राम की घोषणा की? तो 14 सूत्री प्रोग्राम की, ठीक है? 14 सूत्री प्रोग्राम की घोषणा की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14 सूत्री प्रोग्राम की घोषणा विश्व शांति के लिए विल्सन ने कब की? तो 8 जनवरी 1918 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़िंदगी में काम आएगा ये कि 14 जो सूत्री प्रोग्राम हैं उसकी घोषणा विश्व शांति के लिए विल्सन ने कब की? 8 जनवरी 1918 को, ठीक है? राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विल्सन को। किसको दिया जाता है? विल्सन को दोस्तों, ठीक है? राष्ट्र संघ के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, सुरक्षा बनाए रखना, ओके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। तो ये है, इनको जरूर ध्यान रखना आप कि सहयोग, शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना दोस्तों, ठीक है? राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? तो सभा, परिषद और सचिवालय, तो मुख्य 3 अंग है दोस्तों। राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 3, ओके। राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन से अंग से होता है? तो सभा के अंग से, ठीक है दोस्तों? कि राष्ट्र जो संघ है सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन से अंग से होता है? तो सभा के अंग से। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र संघ की सभा कितने बहुमत द्वारा नए राज्यों को सदस्य के रूप में स्वीकार करती थी? तो 2/3 बहुमत द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बहुमत द्वारा? 2/3 बहुमत द्वारा। और नए राज्यों को, है ना, किसके रूप में? सदस्यों के रूप में अंदर लेती थी, ठीक है? इस तरह से ध्यान रखो। राष्ट्र संघ परिषद कौन कौन से सदस्यों को मनोनीत करती थी? तो अस्थायी सदस्यों को, यानी कि राष्ट्र संघ जहाँ पर वहाँ पर जो सदस्य जाते थे तो वह अस्थायी सदस्य होते थे और उनको मनोनीत करती थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र संघ परिषद कौन से सदस्यों को मनोनीत करती थी? अस्थायी सदस्यों को, और महासचिव की नियुक्ति का अनुमोदन करती थी, यानी कि जो महासचिव की नियुक्ति है उसका तो क्या करती थी? अनुमोदन। और परिषद की जो सदस्य थे उनको मनोनीत करती थी अस्थायी सदस्यों के रूप में, ठीक है? राष्ट्र संघ परिषद के अंग के सदस्य कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से देश? तो अमेरिका, ध्यान रखना, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, 1 2 3 4 5, उस टाइम 5 हुआ करते थे, ठीक है? तो ध्यान जरूर रखना आप कि राष्ट्र संघ परिषद के अंग के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली, ओके। राष्ट्र संघ के परिषद के क्या क्या कार्य हैं? तो देखो ध्यान से, सदस्यों को मनोनीत करना, शस्त्रों को कम करने की योजना बनाना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्न को बनाए रखने के लिए सदस्यों को सलाह देना। ये जो क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्न है, तो अपने भारतीय
संविधान का भी भाग है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्न को बनाए रखने के सदस्यों को सलाह देना, किसको, सदस्यों को, और बाहरी आक्रमण से अपनी सुरक्षा करना दोस्तों, और शस्त्रों को कम करने की योजना, और सदस्यों को मनोनीत करना, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कौन होता है, तो महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। नियुक्ति किस सर्वसम्मति से होती थी? परिषद की सर्वसम्मति से दोस्तों, ठीक है। प्रारंभ में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 62, अब है 32। अब कितनी है? 32 दोस्तों, पहले थी 62, ओके। राष्ट्रसंघ की संविधा के अंतर्गत सदस्य अपनी सदस्यता किन दो परिस्थितियों में वापस ले सकता है? कोई भी दो सदस्य 2 वर्ष की सूचना देकर राष्ट्रसंघ से अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता था, ओके। यदि राष्ट्रसंघ को संविधान में कोई संशोधन करना होता था जिस पर किसी सदस्य की सहमति नहीं होती थी, अथवा वह सदस्य उसका विरोध करता था, तो वह सदस्य राष्ट्रसंघ से अपनी सदस्यता वापस ले सकता था, ठीक है। यानी कि कोई संशोधन होता था और कोई सहमति नहीं है, तो वो अपनी सदस्यता वापस ले सकता था, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रसंघ के संविधान के अंतर्गत सदस्य की 2 परिस्थितियाँ थी, है ना। राष्ट्रसंघ के कार्य कौन कौन से हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रसंघ के कार्य: राष्ट्रीय शस्त्रीकरण को कम करना, बाहरी आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ के सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता व राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल करना, और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखा। तो ये जरूर ध्यान रखना आप। राष्ट्रसंघ की प्रकृति किस किस से प्रभावित थी? तो यूरोप के कंसर्ट से। किससे प्रभावित थी? यूरोप के जो कंसर्ट थे उससे प्रभावित थी, ओके। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो राष्ट्रसंघ को। किसको है दोस्तों? नागरिक प्रधान, तो राष्ट्रसंघ को ही है। राष्ट्रसंघ किस सिद्धांत पर आधारित था? तो सर्वसम्मति के आधार पर, ओके दोस्तों, सर्वसम्मति के आधार पर। राष्ट्रसंघ के पास कौन सी शक्ति का भाव था? तो सशस्त्र शक्ति, जो सशस्त्र शक्ति होती है उसका भाव था, है ना। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ। और ये मेरे से दोस्तों ने कहा था तो मैंने ये वीडियो बनाई, और बहुत ही अच्छी वीडियो है। और दोस्तों कम से कम 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें, है ना। और स्क्रीनशॉट लेके आप दोस्तों को भेज सकते हो, ताकि नौकरी लगे आपकी भी, आपके दोस्तों की। और प्लेलिस्ट में मैंने सूचना तकनीकी, है ना, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन, राजस्थान जीके पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो उनको ज़रूर देखें, है ना, और उससे देखें और प्यार बनाए रखें, मेहनत करते रहें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। पढ़ते रहिए, बढ़िया खुश रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।